हाय फ्रेंड, वेलकम टू इज लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर के बारे में। तो गियर क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरीके से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, दूसरा अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर, और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेशिंग ऑफ गियर्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट एक्सिस, तो उसमें आएगा सबसे पहले आएगा पैरेलल शाफ्ट, मतलब कि जैसे कि जो शाफ्ट पैरेलल है तब कौन से गियर यूज कर सकते हैं। तो उसमें तीन आते हैं, स्पर गियर, दूसरा हेलिकल गियर और तीसरा है रैक एंड पिनियन। जब दो शाफ्ट पैरेलल ना हो लेकिन दो शाफ्ट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो, मतलब कि इस तरीके से शाफ्ट हो तो उन दोनों की एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो उस वक्त हम कौन से गियर यूज करते हैं, तो उस वक्त हम यूज करते हैं बेवल गियर। बेवल गियर में दो गियर आते हैं, स्ट्रेट बेवल गियर और दूसरा आता है स्पायरल बेवल गियर। फिर तीसरा एक टाइप है नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, मतलब कि शाफ्ट है वो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस वक्त हम कौन सा गियर यूज करेंगे। तब हम यूज करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैरेलल शाफ्ट वाले गियर। आप देख सकते हो कि ये है स्पर गियर, तो स्पर गियर के जो टीथ होते हैं तो वो शाफ्ट की एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं, और इस गियर का यूज तब होता है जब दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है तब। अब देखते हैं हेलिकल गियर, तो हेलिकल गियर का भी तभी होता है जब दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, लेकिन उसके जो टीथ होते हैं वो शाफ्ट की एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, जिसको कहते हैं हेलिक्स एंगल। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि एक्सियल थ्रस्ट लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है और कैसे लगता है। अब देखते हैं कि एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है। तो हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, जिसको हम जो एक्सिस के साथ शाफ्ट की एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलिक्स एंगल, जैसे कि ये अल्फा हेलिक्स एंगल है। तो यहाँ पे जो है वो फोर्स लगेगा नॉर्मल, जब दो गियर मैशिंग में होंगे उस वक्त, तो इसे कहता हूँ मैं एफ एन, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये होगा टेंजेंशियल फोर्स और ये जो फोर्स होगा ये होगा एक्सियल फोर्स। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से गियर की मोशन इस तरफ होती रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सियल थ्रस्ट जनरेट होता है हेलिकल गियर में, जब हम सिंगल हेलिकल गियर यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा गियर यूज करना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डबल हेलिकल गियर, जिसको हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। एक्सियल थ्रस्ट कम करने के लिए ये यूज होता है डबल हेलिकल गियर, जिसको हेरिंगबोन गियर भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है दो सिंगल हेलिकल गियर का, जिसकी वजह से एक्सियल थ्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। अब देखते हैं रैक एंड पिनियन के बारे में। तो ये स्पर गियर का एक स्पेशल केस है, जिसमें एक गियर के पास इन्फाइनाइट डायमीटर होता है और उसको कहते हैं रैक। आप जैसे फिगर में देख सकते हो, तो इस गियर के यूज क्यों होता है, तो इस गियर का यूज करके आप रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है उसको आप रोटरी मोशन में ट्रांसमिट कर सकते हो। और इस गियर का यूज होता है स्टेयरिंग गियर बॉक्स में। तो चलिए अब देखते हैं बेवल गियर के बारे में, जो नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा इंजन जो व्हीकल होता है उसमें डिफरेंशियल में ये गियर यूज होता है। तो बात करते हैं बेवल गियर के बारे में। तो बेवल गियर के दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट बेवल गियर होता है और स्पाइरल बेवल गियर होता है। तो ये है स्ट्रेट बेवल गियर, जिसमें क्या होता है जो टीथ होते हैं वो कॉन की सरफेस पे स्ट्रेट होते हैं। तो ये बेवल गियर इसका यूज होता है जब दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही हो तब। तो ये आप देख सकते हो स्पाइरल गियर है, इसमें क्या हो गया बेवल गियर है, लेकिन यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो कॉन पे वो कहते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते लेकिन कर्व टाइप के होते हैं, जो कुछ एंगल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं स्पाइरल गियर। तो चलिए अब देखते हैं नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, और जिसमें गियर यूज होता है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के बारे में। तो इसका यूटिलाइजेशन कब होता है, जब दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट भी ना होती हो। तो ये जो गियर होता है उसको कहते हैं व्हील, और इसे वॉर्म व्हील, और इसे कहते हैं वॉर्म। तो ये किस तरह से ऑपरेट होता है आप देख सकते हो कि जब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये वॉर्म है वो रोटेट होता है और गियर को भी रोटेट करता है। इसका आपको यूज देखने को मिलेगा जो स्टेयरिंग सिस्टम होता है स्टेयरिंग गियर में, तो इसका यूटिलाइजेशन वहां पे देखने को आपको मिल सकता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर्स। तो पेरिफेरल वेलोसिटी कैसे दे सकते हैं, तो वीपी इज इक्वल टू पाई डीपी इंटू एन डिवाइडेड बाय 60। डीपी क्या है, पी सर्कल डायमीटर, और वो उसको हम मीटर में लेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। अब बात करते हैं तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं वेलोसिटी के हिसाब से, लो वेलोसिटी गियर्स, मीडियम वेलोसिटी गियर्स और हाई वेलोसिटी गियर्स। तो जिसकी पेरिफेरल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम है उसको कहते हैं लो वेलोसिटी गियर,
जिसकी वेलोसिटी 3 और 15 के बीच में है उसको कहते हैं मीडियम वेलोसिटी गियर, और जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है उसको कहते हैं हाई वेलोसिटी गियर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेसिंग ऑफ गियर, तो उसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सटर्नल मेसिंग मतलब कि जो गियर है वो एक्सटर्नली मैस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल मैसिंग गियर। और देख सकते हो उसमें जो बड़ा जो गियर होता है उसको कहते हैं व्हील, और छोटा जो गियर होता है उसको कहते हैं पिनियन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्पर गियर होगा, हेलिकल गियर हो गया, बेवल गियर हो गया, ये सब कौन से एक्सटर्नली मैसिंग गियर होते हैं उसको एक्सटर्नल गियर भी बोलते हैं। दूसरा आता है इंटरनली मैसिंग गियर या फिर इंटरनल गियर भी आप उसको कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि टीथ ऑफ गियर्स मैस इंटरनली विथ ईच अदर, तो इसमें जो टीथ होते हैं गियर के वो इंटरनली मैस होते हैं। एक जो गियर होता है उसके टीथ इनसाइड होते हैं और दूसरा जो गियर होगा उसके टीथ आउटसाइड होगी, और वो इंटरनली एक दूसरे के साथ मैच हो सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से ये गियर होते हैं। उसमें जो लार्ज गियर होता है उसको कहते हैं एनुलर व्हील, और जो छोटा सा गियर होता है उसको कहते हैं पिनियन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।